नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और पिरामिड के पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो पिरामिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिरामिड क्या होता है? प्रिज्म हमने देखा था कि जैसा आधार होता है वैसे ही टॉप होता है, लेकिन जो पिरामिड होता है वैसा नहीं होता। उसका आधार जैसा भी हो, जैसे नीचे से आधार उसका वर्ग है, लेकिन वो ऊपर पे जाकर एक शीर्ष पे मिलता है। ठीक है, तो जिसके अंदर एक आधार तो बहुभुज होता है। ठीक है, आधार एक बहुभुज होता है, आयत, त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो शीर्ष होता है वो जो ऊपर का टॉप होता है वो एक शीर्ष यानी बिंदु होता है, इसी को बोलते हैं पिरामिड। तो वह ठोस जो किसी भी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फलकें खड़ी की जाती हैं। पिछली वाले में आयताकार फलकें खड़ी कर रही थी, तो अब यहाँ पे जो जितने भी आधार होते हैं तो उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं उन भुजाओं पे हम क्या खींचते हैं? त्रिभुज खींचते हैं। तो त्रिभुजाकार फलक खींचते हैं और वो एक शीर्ष पे मिलते हैं, तो ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो सभी फलकें एक शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे पिरामिड कहते हैं। जैसे हम त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर, ये एक नीचे त्रिभुज था, थोड़ा चपटा दिख रहा होगा आपको, तो ये पिरामिड है। इसकी तिरछी फलके देखें तो तिरछी फलके हो गया पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, एक तो ये वाला पी क्यू आर, एक पी आर एस, तो यानी ये वाला पी आर एस, ये वाला, और एक क्यू आर एस, तो क्यू और आर एस। तो थोड़ा सा देखने में ना दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज वाला है और तिरछी कोरे का है, तो ये हो गया एक पी एस, एक हो गया आर एस और एक हो गया क्यू एस। ठीक है, तो ये आपको जैसे ये तो आधार था, तो ये जो किनारे पे हमने खींचे हैं एक दो और ये तीन, तो इसको तिरछी कोरे कहते हैं। इसमें आपको कम समझ में आएगा, अगला वाले से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयत पी क्यू आर एस पिरामिड है, जैसे ये वाला पी क्यू आर एस, तो इसमें तिरछी फलकों की बात करें तो पी टी क्यू, तो पी टी क्यू, ये पीछे वाला एक दीवार हो गया पी टी क्यू, ऐसी क्यू टी एस, तो क्यू टी एस, फिर ऐसी बन गया आर टी एस, तो आर टी एस सामने वाला, और एक पी टी आर, पी टी आर। तो ये जितने भी ये त्रिभुज दिख रहे हैं किनारों पे, तो इन्हीं को किनारों को तिरछी फलके कहते हैं। ठीक है, तिरछी कोरे यानी इस लाइन को तिरछी कोरे कहते हैं। पी टी, एक तो आपका पी टी दिख गया होगा, एक क्यू टी, एक आर टी और एक एस टी। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसी ये पंचभुज दिख रहा है आपको पी क्यू आर एस टी, ऐसे ही आपको ये सम षटभुज दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब मान लो ये वाला पढ़ते हैं कि पिरामिड की तिरछी ऊंचाई क्या होती है। ये जो टेढ़ी लाइन जा रही होती है ना, इसी को तिरछी ऊंचाई कहते हैं, क्योंकि बीचों बीच तो क्या होता है कि एक लंब होता है। ठीक है, जो कि आधार के केंद्र से पे होता है, और केंद्र से इस शीर्ष की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये हम इसको पूरा आधार का आधा कह सकते हैं, समझ लो ये पूरा आधार है ना, आधार की लंबाई का आधा होगा या बीच में होगा, ऐसे समझ लो। और जो टेढ़ी लाइन आ रही होती है इसे तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं। ठीक है, तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो पिरामिड के शीर्ष से त्रिभुजाकार फलकों पर, ये जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं ये वाले, तो त्रिभुजाकार फलकों पर डाला गया लंब तिरछी ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये त्रिभुजाकार फलक है तो इसके बीचों बीच हम ऐसे लंब ले लें, तो जो टेढ़ी लाइन होती है इसी को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अगला है पिरामिड की लंबवत ऊंचाई। पिरामिड के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब पिरामिड की लंबवत ऊंचाई कहलाता है। तो जो शीर्ष होता है उसके बीचों बीच अगर हम अंदर की तरफ एक लंब की कल्पना करें तो उसी को बोलते हैं पिरामिड की ऊंचाई। पिरामिड का पार्श्व परिक्षेत्रफल निकालना है, तो एक बटा दो आधार का परिमाण गुना तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। और पिरामिड की संपूर्ण ऊंचाई निकालना है, तो पार्श्व परिक्षेत्रफल जो ऊपर वाला था वो निकाल के बस इसमें एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ना होता है। ठीक है, प्रिज्म में दो गुना करते थे लेकिन इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें आधार एक ही होता है। ठीक है, पिरामिड का आयतन निकालना है, तो बस इसमें एक बटा तीन लगा देना है, आधार का क्षेत्रफल गुना आधार का क्षेत्रफल, और यहाँ पे गुना कर देना है लंबवत ऊंचाई, तो आपको क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एक आयतित
यानी नीचे जो आयत है इसी को आयातित बोल देते हैं। आयातित आधार वाले पिरामिड की लंबाई एवं चौड़ाई 12, तो लंबाई हो गया ये 12 और चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। और पिरामिड की लंबवत ऊंचाई जो शीर्ष से ये बीचों बीच आधार मतलब बीचों बीच होती है, तो ये जो ये ऊंचाई है ना ये 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और पिरामिड की तिरछा पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन तीनों ज्ञात करना है। पहले हमें तिरेक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिरेक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लंब था जो कि 8 था, ये भुजा 12 है तो इसमें 12 का आधा यहाँ पे हम 6 ले लेंगे और ये लंबवत है तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है TUV, तो त्रिभुज TUV में हमें दो भुजा मिल गया है, ये 8 है और ये 6 है, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी TV का स्क्वायर बराबर लंबों का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर 8 × 8 = 64, 6 × 6 = 36, ये 100 हो जाएगा। और टीवी का स्क्वायर, तो टीवी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे तो टीवी यानी 10। तो आपका तिर्यक ऊंचाई कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, इसका एक निकालना था आपको पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि हम आधार का परिमाप निकाल लेते हैं, उसे हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आधार का परिमाप निकाल लेते हैं, तो आधार का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि आयत का परिमाप यही होता है गुना ऊंचाई, तो 2 ब्रैकेट लंबाई 12 जमा 6 और ऊंचाई 8, तो 2 × 18 × 8, तो 18 × 36 × 8, 6 × 8 = 48 का 8 × 4 = 4, 6 × 8 = 24 = 28, तो इतना आ जाएगा आपका 288। ठीक है, अगर हम निकालें क्या संपूर्ण क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी अभी निकाले हो, जिसे पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं या तिरछा पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें हम जोड़ देते हैं क्या आधार का क्षेत्रफल, बस जोड़ देते हैं। तो अभी ये वाला 288 आया था और इसमें हम आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ देंगे। ठीक है, तो 288 में हम लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ देंगे, तो लंबाई 12 चौड़ाई 6, 12 × 6 = 72 जोड़ देंगे इसमें, 360 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मान लो इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई 12 चौड़ाई 6 और ऊंचाई 8, हम इसे गुना कर देंगे तो 8 × 6 = 48, तो 12 × 6 = 48, अब इसे गुना कर देंगे तो 576 सेंटीमीटर के क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग आधार के पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करो यदि पिरामिड का आयतन 1280 सेंटीमीटर की क्यू है और प्रत्येक भुजा 16 है, तो यानी प्रत्येक भुजा हमें पता चल गया है कि ये 16 है, तो इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है बस। ठीक है, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो हमें पिरामिड का आयतन पता होना चाहिए, तो पिरामिड का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो आयतन आपको दे रखा था 1280, आधार का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा और ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो 1280 ये बटे में जाएगा 16 × 16, ये आप काट देंगे, 8 × 16 = 16, 8 से काटेंगे 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 = 48 और 0, 16 से काट देंगे 16 × 2 = 160। ठीक है, तो 2 से काट देंगे 2 × 5 = 10, तो हाइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज आधार वाले पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसके आधार की प्रत्येक भुजा 9 है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा 9 है, तो इसका आधार क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज, और इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो वो दे रखा है कि उसकी लंबवत ऊंचाई 16√2 सेंटीमीटर है, तो बस हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल
और गुना ऊंचाई, इसमें हम ना 1/3 लगाना भूल गए। ऊपर वाले में भी हमने 1/3 नहीं लिया था, ठीक है, तो 1/3 और ले लेंगे, तो 3 इधर गुना हो जाएगा, तो 5 या 15 सेंटीमीटर सही आंसर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अब करेंगे तो आयतन निकालना है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुना भुजा, 9 × 9 भुजा का स्क्वायर था तो 9 × 9, और ऊंचाई कितना ले लेंगे, तो ऊंचाई हमें प्रश्न में दिया हुआ था 16√2, 3 से काट देंगे तो 3 से कट जाएगा 3 × 3 = 9, ये 4 से कट जाएगा 4 × 16, तो √3 × 3 × 9 × 4 और √2, ये √2 ही बन जाएगा, तो 3 × 2 = √6, 9 × 3 = 27, 27 × 4 108√6 सेंटीमीटर की क्यूब, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। इसी में आपको एक और टॉपिक पढ़ना होता है टीट्राहेड्रन, ठीक है, टीट्राहेड्रन यानी चतुष्फलक, वह ठोस जो त्रिभुज को आधार बनाकर बनता है और उसमें कुल 4 त्रिभुज होते हैं, उसे चतुष्फलक कहते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में चतुष्फलक में 4 त्रिभुजाकार फल के क्रम से PQR1, PQS2, RSP3 और R और QRS बड़ा वाला, तो इसमें 4 त्रिभुज है, यानी एक ऐसा ठो जिसमें 4 त्रिभुज ही हो और 4 त्रिभुज से बना हो, तो उसे चतुष्फलक बोलते हैं, टेट्राहेड्रन, ठीक है। इसके बारे में और जान लेते हैं, सम चतुष्फलक रेगुलर टेट्राहेड्रन क्या होता है, जिस चतुष्फलक की चारों त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनती हैं, यानी जब चारों त्रिभुज अलग अलग ना हो के वो समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है, तो उसे सम चतुष्फलक कहते हैं, यानी रेगुलर टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो सम चतुष्फलक की सभी फलके, तो दिख गया होगा यहाँ पे आपको कि वही PQR, PQS, RSP और QRS है, समबहुभुज त्रिभुज है सारे, और सभी कोर इसमें बराबर होते हैं, PQ कहो 1, QR 2, RP 3, PS 4, QS 5 और RS 6, ठीक है, पूरी 6 की 6 इसमें कवर हो गई। हमें कुछ फॉर्मूले ही सीखना है बस। तो सम चतुष्फलक की प्रत्येक भुजा ए है, मान लो इसकी हर भुजा ए है, ठीक है, ये थोड़ा उठा हुआ होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे बढ़िया से तभी आपको समझ में आएगा। सम चतुष्फलक की लंबवत ऊंचाई निकालने के लिए जो ये भुजा होगा उसमें गुना कर दोगे √2/3, ठीक है, √2/3, ठीक है। सम चतुष्फलक की तिरछी ऊंचाई निकालनी है अगर आपको, तो √3/2 × भुजा, तो अगर हमें लंबवत ऊंचाई निकालनी है तो √2/3, और सिर्फ तिरछी ऊंचाई निकालनी है तो ऊपर वाला √3 बस बटे रूट में है और बटे में 2 नहीं है, ठीक है, तो √3/2 × भुजा। सम चतुष्फलक की पार्श्व पृष्ठ ऊंचाई निकालें तो √3/√3/4 के जानते हैं √3/4, तो बस सम चतुष्फलक की पार्श्व पृष्ठ की ऊंचाई कहे तो उसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 4 होती है ना, 4 त्रिभुज होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 लेंगे बस पार्श्व में, आधार छोड़ देंगे। वही जब हम संपूर्ण लेंगे तो इस 3 की जगह जब 4 लेंगे तो 4 से 4 हट जाएगा, तो सिर्फ √3 × भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सम चतुष्फलक की आयतन अगर हमें उसका आयतन निकालना है, ठीक है, आयतन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/12 × a³ × √2, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। एक समचतुष्फलक की प्रत्येक कोर 3√2 इकाई है, तो समचतुष्फलक की लंबवत ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, ये सब निकालना है आपको। आप ऊपर के फॉर्मूले से ट्राई करेंगे तो आपका पहले का आंसर आएगा 2√3, फिर 3√3/2, ये हो जाएगा 27/2√3, 36√3 और 9 घन इकाई आ जाएगा, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका कीमती समय।